हेलो बच्चों, चलिए आज मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मोटिवेशनल सुनाने नहीं आया हूँ, है ना। आज मैं आपके सामने कुछ इस समय का सच रखने आया हूँ और इस समय कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ गलतियां आपको दिखाऊंगा जो आप मत करना, और वो हो रही है इस समय। परेशानी की बात यह है कि वो इस समय होती है और हो रही है, और बच्चे उसको फॉलो करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस रास्ते को एक्सेप्ट करते हैं, उस रास्ते को फॉलो करते हैं जो यू टर्न पड़वा देता है आपको। यार ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, क्या आप बताइए, हमने इसीलिए स्टार्ट किया था ये जर्नी को कि आखिरी टाइम पे हम किसी को ये बोल दें कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सैचुरेट हो रहा हूं, मैं पक गया हूं पढ़ पढ़ के, अब मेरे से नहीं होता। यार ये सुनने के लिए क्या हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ये सुनने के लिए हमने अपना लक्ष्य बनाया था? क्योंकि यार देखो, एक बात तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आपका लक्ष्य पास आने लगता है वैसे वैसे परेशानियां तो बढ़ती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और परेशानियां कुछ नहीं है, चैलेंजेस बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ लोग इसको चैलेंजेस बोलते हैं। तो ये चैलेंजेस है, ये कोई परेशानी नहीं है, है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार बच्चों, ये चैलेंजेस है और ये तो आएंगे। यार एग्जाम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम? एग्जाम का मतलब यही है कि जैसे ही परेशानियां या जैसे ही चैलेंजेस बढ़ने लगे, समझ जाओ एग्जाम पास है, समझ जाओ मंजिल पास है, और बस हमें इस एग्जाम को और निकालना है और अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना जो भी एम था, हमारा जो भी टारगेट था वो हमारा पूरा हो जाएगा, जो भी हमारे ड्रीम कॉलेजेस थे वो हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा कहना आपसे ये है कि यार क्यों इस समय यू टर्न मारना है, यार क्यों इस समय यू टर्न? मेरे को इतना तकलीफ होती है देखकर, मुझे आज पढ़ाते हुए 18 से ज्यादा साल हो गए हैं, और मैं आपको बताऊं इस समय मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं सब जा रहा है, और मैं पूरा ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ मैं। तो यार ये मत करो इस समय, मतलब आप एग्जाम देने से पहले ही हार मान गए, ये तो इससे बुरी बात क्या होगी यार। मतलब आप समझिए कि आप सही जा रहे थे, लेकिन आपकी मेंटालिटी ऐसी बोलती है कि नहीं साहब आप गलत जा रहे हो, नहीं आप जो है वो नहीं कर पाओगे, ऐसे करके हमारी मेंटालिटी, ये जो नेगेटिविटी होती है ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आती है, गॉड गिफ्टेड है, ये अपने आप आती है, और इसको अपन को पकड़ना नहीं है, हम इसको पकड़ लेते हैं और हम मान लेते हैं कि ये सही बोल रही है, ये जो मेंटालिटी है ये सही बोल रही है, और हम उसको पकड़ लेते हैं और हम सही सही चलते चलते यू टर्न मार जाते हैं, जबकि आप सही जा रहे थे, सिर्फ आपने अपनी वो जो मेंटालिटी थी, वो जो नेगेटिविटी थी जो दिमाग में आ रही थी, आपने उसको पकड़ लिया और मार दिया यू टर्न। देखो यार बच्चों, सुना आपने बहुत लिया, अब सुनने का काम हो गया ख़त्म, अब इन बातों को उतारो दिमाग में, सुनने का काम अब हो चुका है ख़त्म। सुनते बहुत लोग हैं, फॉलो नहीं करते उसको, यार फॉलो करो यार, फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है यार। आप, मैं बता रहा हूँ, इस समय 40 दिन बचे हैं, 40 के आसपास डेज बचे हैं, 43-44 अराउंड, तो 40 दिन मान के चलो, 40 दिन बचे हैं, और ये 40 दिन में मैं आपसे बोलता हूँ यार, आप अगर मेहनत करते हो, अपनी पूरी जान लगाते हो, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो गई होगा, आपको आपकी मंजिल मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह, ये गारंटी है मेरी। लेकिन इस समय पीछे मत हटो, साल भर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, लास्ट में आके सर अब नहीं होगा, अरे अब मैं थक गया हूँ सर, और अब मेरे से पता नहीं क्यों मेरे साथ पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। अरे भैया, रेस जब खत्म होती है आखिरी में ही तो थकता है इंसान यार, और उस थकी स्टेट में ही वो निकालता है एग्जाम, उस थकी हुई अवस्था में ही वो एग्जाम निकालता है भाई, यही तो खेल है, यही तो समझना है अपने को, थकना बुरा नहीं है, आपने मेहनत करी है तो आप थकोगे ही थकोगे, कौन मना कर रहा है, लेकिन आपने उस थकान को यह मान लिया कि मैं हार गया, अरे ऐसा नहीं होता बेटा, आप उस थकान को हार कैसे मान सकते हो यार? तो आप थक गए, सब हो गया, ठीक है, लेकिन थकी हुई स्टेट में ही तो एग्जाम निकलता है, थकी हुई स्टेट में ही तो हम रेस जीतते हैं, कभी रेस देखी होगी ना आपने, आखिरी में कैसे जीतता है किसान, थका हुआ ही तो जीतता है ना, ऐसे फ्रेश थोड़ी जीत जाता है यार। फिर तो आप ये कुछ चीजों को पहले प्रैक्टिकली समझो यार, आप अगर इन बातों को प्रैक्टिकली समझ जाओगे ना, मैं बता रहा हूं, आप कभी पीछे नहीं हट सकते, आप इम्प्रैक्टिकल होने की वजह से पीछे हट जाते हो, प्रॉब्लम ये है, आप बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से, हाइपोथेटिकलनेस की वजह से आप पीछे हट जाते हो,
आपको लगता है जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है वो सब सच है और भाई आप उसको मान लेते हो। क्या हमने रेस इसलिए शुरू की थी कि आखिरी में नेगेटिविटी पकड़ ले और एक बहुत सस्ता सा शब्द बोल दे कि मेरे से नहीं होगा? यार ये तो गलत बात है यार। हाँ, आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे पूरी चेन जुड़ी हुई होती है, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं आपके साथ। मैं ये नहीं कहता हूँ, आप इसको सुन के डिमोटिवेट मत हो जाना कि अरे एक्सपेक्टेशन लोड आ जाता है, मैं आपको एक पॉजिटिव साइड में बता रहा हूँ ये भाई। नहीं तो क्या होता है, लोग क्या नेगेटिव ले जाते हैं, अरे हाँ यार इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन है, अरे यार और डिमोटिवेट हो गए। अरे एक्सपेक्टेशन है, सबके इमोशंस जुड़े, सही है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो ना कि भाई इतने लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं तो यार आपको तो सही चलना जरूरी है भाई। आप मेन झंडा पकड़े आगे चल रहे हो, आप स्टेक होल्डर हो भैया, आप आगे आगे चल रहे हो, आपको झंडा दिया, आपको जिम्मेदारी दी है, आप उसको करो ना पूरा। आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि आप हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हो। ये मैं कई बार बोल चुका हूं पहले भी, रिजल्ट के बारे में मत सोचना। रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना तो फिर बोलते ना हम जो अभी हमारी पाथवे है, जो हमारी जर्नी है, उसको आप बहुत टफ बना लोगे और शायद यू टर्न भी मार दो। क्योंकि जब रिजल्ट वर्ड आता है दिमाग में, ये इतना बुरा वर्ड है कि ये जैसे ही दिमाग में आएगा दिमाग सारी नेगेटिविटी आपके सामने फेंक देगा। साहब तेरे से तो नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, मतलब होता है ना इस तरह के डायलॉग कि भाई मतलब यही सारे नेगेटिविटी, अरे आगे क्या करूँगा मैं, मेरे तो बस की नहीं, ये सब आने लगता है, ये रिजल्ट वर्ड फेंकता है। एफर्ट, जो मैं 10 बार बोलता हूँ आपको कि एफर्ट वर्ड लगाओ, रिजल्ट हटाओ, एफर्ट लगाओ। एफर्ट वर्ड आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करेगा कि नहीं यार एफर्ट 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 लगाओगे उससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का सोच के थोड़ी ना रिजल्ट आएगा। इसलिए बच्चों मेरी बात को समझो, थोड़ा इस समय टाइम आ गया है जो प्रैक्टिकल सोच का टाइम है, और प्रैक्टिकल जो है वो सच होता है। और सच ये है कि जो अभी 40 दिन जम के पढ़ जाएगा, जम के पढ़ेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेगा, मतलब आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ने हैं, उसके ऊपर जितना चले आओ 13 14 15 16 जितना भी चले आओ, लेकिन आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ना है। 12 आवर्स की स्टडीज मस्ट, जरूरी है। अगर आप ये काम कर जाते हो बिना कुछ सोचे, बिना किसी स्वार्थ के कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, बिल्कुल सब छोड़ दो, बोलते हैं ना बस नेकी कर दरिया में डाल, बस आप नेकी करो और आप उसके बाद देखो ऊपर वाला आपको इसका कितना अच्छा रिजल्ट देगा। आप रिजल्ट के बारे में सोचो मत, क्या मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूं, अरे भाई ऐसा सोचोगे तो आप करोगे ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सोच है, ये बहुत ही गलत सोच है, आपको इस पे नहीं जाना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से चलो, आज मैं आपको समझाने ही आया हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ आपको, मोटिवेशनल लेक्चर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना। मेन अभी बात है कि इस समय क्या जरूरी है वो बात करने आया हूँ मैं आपसे, और जरूरी इस समय यही है कि 40 दिन जम कर पढ़ो या दम लगा के पढ़ो। 40 दिन के बाद मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह एक अच्छी खबर मिल जाएगी। 40 दिन बाद आपको एक अच्छी खबर मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड, हवा में बात नहीं करें, प्रोवाइडेड 40 दिन की मेहनत लगनी चाहिए कि यार बंदा वाकई में यार जम के पढ़ाई की उसने, तो बस आप ये काम कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बजाय इसके मेरे से नहीं हो रहा, मैं सैचुरेट हो गया, थक गया, अरे थकान तो होती है, आपके थकने का मतलब ही यही है कि आपने मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है पहले तो नहीं थकता था, आप थक गया, अबे थकता इंसान भाई बाद में ही है, आगे ही जाके है, पहले कैसे थकेगा वो। तो सारी वर्स्ट कंडीशन आपको आखिरी में ही दिखती है, और मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि वर्स्ट कंडीशन में ही आपको बेस्ट देना होता है, यही एग्जाम का मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम? वर्स्ट कंडीशन में बेस्ट देना। आपको लगता है कंडीशन वर्स्ट हो गई, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, वर्स्ट कंडीशन में तो बेस्ट देता है इंसान। इसलिए यार बी प्रैक्टिकल, बस बार बार अपने जहां भी आपका स्टडी टेबल है वहां सामने लिख लो बी प्रैक्टिकल कि मैं नई यू टर्न मारूंगा, मैं कुछ भी आलतू फालतू भाई दिमाग में तो आएगा, उस नेगेटिविटी को पकड़ूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आएगी, आएगी, उसको पकड़ो मत, पकड़ोगे नहीं यार बिल्कुल सही चलूंगा। हमारे दिमाग में भी आती है नेगेटिविटी, हम पकड़ते नहीं है, वो तो एक गॉड गिफ्टेड चीज है, सबके दिमाग में आती है, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे नेगेटिविटीज आएंगी, पकड़ो मत उसको, वो सच नहीं है। इसलिए अपना बढ़िया सा काम करते जाओ, चुपचाप 40 दिन बचे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप इन 40 दिन में आप जम के पढ़ाई करो और आप देखो आपको वो चीज़ मिल जाएगी
जिसका सपना आपने बंद आंखों से भी देखा है और खुली आंखों से भी देखा है। तो इसलिए बच्चों इस समय टाइम आ गया है बी प्रैक्टिकल, ठीक है? तो बस जम के पढ़ाई करो बिंदास, ठीक है? कोई मैं बोलता हूं मोटिवेशन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, एफिशिएंसी अच्छी आ रही हो या नहीं आ रही हो, पढ़ो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। रेस में कछुआ जो होता है, कछुआ जो धीरे धीरे चलता है धीरे धीरे चलता है फिर भी जीत जाता है, इसलिए वो कछुए की तरह आप बनो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस खरगोश की तरह मत बनो लेकिन कि जो शुरू में बहुत दम लगाते हैं और बाद में जैसे ही टाइम आया सो गए, ये मत करो यार। और मैं मेरा जो आज का स्पेशली ये जो वीडियो था ये इसीलिए था कि यार आप उस खरगोश की तरह मत बनना यार। और बहुत लोग इस समय खरगोश बनते हैं, प्रॉब्लम ये है। और वो क्या मौका देते हैं, वो अपने पीछे वाले को मौका देते हैं कि वो धीरे धीरे जो कि आपसे पीछे था और वो कछुए की तरह चलते चलते जीत जाता। तब वो आपके हाथ में है कि आपको खुद मौका लेना है या दूसरों को मौका देना है। इसलिए इस समय बस चुपचाप पढ़ते चलो बिना कुछ सोचे हुए, बस 40 दिन और इंशाल्लाह आप देखें एफिशिएंसी कम ज़्यादा हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखें आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एफिशिएंसी की परवाह ना करें, धीरे धीरे एफिशिएंसी कम ज़्यादा होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है बच्चों? चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सिर्फ देखेंगे नहीं जबकि ये आप अपने दिमाग में उतारेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपने आप को समझाया करो, ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें अपने आप को समझाया करो, तब ये लंबे समय तक रहती है। मेरी बात हो सकता है कुछ दिन में निकल जाएगी, कुछ देर में निकल जाए या कुछ दिन में निकल जाए, सबका अलग अलग है, लेकिन आप जब अपने आप को यही बातें समझाओगे ना, मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आई बात समझ बच्चों? चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि यार इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको बना के देता रहूँगा जिससे मैं आपका एक आई ओपनिंग मोमेंट हमेशा क्रिएट करते रहूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना।